जयपुर स्टेशन, ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं काठ गोदाम से अभी मैं उतरा हूँ जयपुर। रात 12:30 बजे जयपुर के लिए हम चले थे। तो मेरी वाली हाल भी धमाके जाकर तोड़ से दूंगी सामने नाले के धमाके आपसे कितने? 250 रुपये। 250 रुपये ज़्यादा है यार। हाँ 250 रुपये ज़्यादा। होटल वाले से पूछ के दे देना। क्या है तुम्हारे पास? ऑटो से रखा। ऑटो है जी। चलो अभी देखते हैं, रुक जाओ अभी पहले मैं कंफर्म कर लूँ। हाँ नहीं कंफर्म हो गया, मैंने पूछ लिया। रेट कंफर्म करूँगा मैं। हाँ उसके बाद आराम से 1 किलोमीटर पार करते हैं। मिनिमम चार्ज 5-8 रुपये तो पड़ती है उसकी। अच्छा चलो चलो देखते हैं अभी क्या होता। कल अब महिंद्रा पहुँच रहा हूँ मैं जयपुर स्टेशन पर। ये ऑटो वाले एक मेरे पीछे लग गए हैं कि मैं बचा दूंगा। पहले तो इन्होंने मुझे गलत एड्रेस बताया उसका, क्लब महिंद्रा का। अभी इन्होंने नेट पर सर्च किया तो बता रहा 1.7 किलोमीटर। बोले सर पहले तो ये 250 रुपये बता रहे थे, अब बता रहे हैं मुझे 100 रुपये। ठीक है, मैं समझता हूँ 100 रुपये सही हैं, इन्हें दिए जा सकते हैं 100 रुपये। 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है जयपुर में, पानी देखिए तमाम भरा हुआ। झलाने में भी बारिश हो रही होगी, क्या सीन रहता है झलाने में। सफारी का आज हाफ डे हमारी बुक है। भैया तैयार होइए जल्दी, टाइम हो रहा है हमारा। चलो चलो तो शो टाइम। अब हम निकलते हैं, सब चीज़ें रख ली हैं, हम निकल रहे हैं झलाना के लिए। हमारी कैब बुक हो गई है और ऐश्वर्य भाई मुझे फुल फॉर्म में। चल ये सारे वाइल्ड लाइफ पर एकदम फुल फॉर्म में है। हम निकल रहे हैं यहाँ से, क्लब महिंद्रा से निकल रहे हैं हम। सफारी टू झलाना नेशनल पार्क, पीपल फ्रॉम यू नो कॉबल डोमेन एंड राजा जी एंड मुरादाबाद पीलीभीत। सो हियर वी आर रेडी टू कैप्चर द एफर्ट्स ऑफ झलाना। वी आर ऑलरेडी 15 मिनट लेट। ये भी बहुत वो बीच में शोर हो रहा है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। क्या आपने पुश वो एंट्री शायद मास्क ले लीजिए आप अपना, ठीक है, बैग दे दो लो। चलो भैया ठीक है, हम लोग हमारी कैब आ गई है और हम लोग जा रहे हैं। यार कहाँ पे अपलोड करते हैं ब्लॉग? यूट्यूब पर। थैंक यू।
है, बिल्कुल फ्री है। बहुत इससे खोल दें डिग्गी को। डिग्गी खोलना। ठीक है ठीक है, थैंक यू। क्या पपीता नहीं, क्या क्या लिया? जंगल की तैयारी कर रहे हैं हम लोग मंसूर भाई के साथ, और है जंगल की तरह, जंगली जानवरों की तरह सिर्फ भूख पे जिंदा रहेंगे। हमने केले ले लिए हैं मंसूर भाई के लिए, हमने सेब ले लिए हैं हरे बिल्कुल लाल लाल सेब, और हमने मंसूर भाई के लिए ये भी ले लिया है, क्या कहते हैं, नाशपाती। नाशपाती हम लोग नाशपाती बोलते हैं, नाशपाती। तो अब हम जंगल में एकदम सात्विक ऑर्गेनिक खाना एकदम तैयार है।